नमस्कार, घर का शेफ फ्रॉम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ठेकुआ बनाएंगे। ठेकुआ खाने में बहुत बढ़िया लगता है। इसको आप किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं। स्पेशली ये तीज में और छठ में बनाया जाता है, लेकिन आप कभी भी बना सकते हैं जब आपका मन करे खाने को, या आप सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो ठेकुआ बना के रख लीजिए, काफ़ी दिन तक ख़राब भी नहीं होता है। तो ठेकुआ बनाने के लिए मैंने, देखिए, 2 कप मैदा लिया है और 1 कप सूजी लिया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा, 1 कप सूजी और 1 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं। तो ये सूजी हम इसमें डाल देंगे और इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप देसी घी और रिफाइंड दोनों डालिए तो ठेकुआ बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगा और काफ़ी दिन तक ये खस्ता रहेगा। वैसे आपको नहीं पसंद है रिफाइंड ऑयल तो मत डालिए, सिर्फ देसी घी डालिए, या देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इसको अच्छी तरीके से ऐसे हम मिला लेंगे, मोइन दे देंगे ऐसे। ये देखिए, इस तरह से मोइन मैंने दे दिया है। इस तरह से करने में ये देखिए इस तरह से बन जा रहा है। इसमें हम 1.5 कप तक चीनी डाल देंगे। वैसे मीठा आप अपने पसंद अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें सौंफ डाल देंगे, सौंफ बहुत अच्छा लगता है इसमें। 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इलायची का दाना भी डाल देंगे ऊपर से, ये मुँह में पड़ता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, बिना ड्राई फ्रूट के ही बनाऊँगी। और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसका टाइट डो लगाएंगे। डो एकदम नहीं तैयार करना है, आटे की तरह हल्का सा भुरभुरा रहेगा ये। इसमें हम साबुत चीनी डाले हैं और बड़े दाने का चीनी डाले हैं ताकि ठेकुआ के ऊपर से छोटा छोटा चीनी का दाना दिखे, अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगता है, ऊपर से दाना दिखता रहता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं गूंथेंगे, बस इतना चाहिए कि अच्छे से, ये देखिए इस तरह से करने में ये बंध जाए इस तरह से। तो ये देखिए आटा तैयार हो गया है। तो अब हम ठेकुआ बनाना शुरू करेंगे। ठेकुआ बनाने के लिए ये देखिए ठेकुआ बनाने का साँचा है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जहाँ पर मेला लगता है वहाँ पर ले सकते हैं, मेला वगैरह में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसको हम लेंगे और मैं आपको फॉर्क से भी बताऊँगी, कांटे वाले चम्मच से। अगर आपको और ज़्यादा तरीका देखना है तो मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, गुड़ और गेहूं के आटे से बना हुआ ठेकुआ, तो आप उसको देखिए, उसमें मैंने कई तरीका बताया है ठेकुआ बनाने का, कि अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप बना सकते हैं उन सब चीज़ों से। तो इसमें से थोड़ा सा आटा हम लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। पहले इसमें थोड़ा सा हम घी या ऑयल लगा देंगे ताकि चिपके नहीं। ये देखिए आटा लेंगे ऐसे ऐसे कर लेंगे और इसको इस पे रख के ऐसे दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम बना के रखेंगे। फिर थोड़ा सा आटा लेंगे ये देखिए, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है तो आधे में ही आप कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, छोटा छोटा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे करके बीच में रख के ऐसे कर दीजिए। ये देखिए आधा डिजाइन इसमें बन गया। अब मैं आपको फॉर्क से बताऊंगी बना के। आटा लेंगे ऐसे, ऐसे कर लेंगे और ऐसे करके यहां से प्रेस कर देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो जिस तरह से आपको आसान रहे आप उस तरह से बना सकते हैं। तो सब बना के फिर हम इसको तलेंगे। मैंने बना लिया है तो अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। मैंने, देखिए, एक पैन लिया है और ऑयल डाल के गैस पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए।
ऑयल गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं चाहिए इसके लिए, हमें मीडियम गरम चाहिए। तो एक एक करके ये ठेकुआ हम इसमें डालेंगे और गैस फ्लेम को हम लो कर देंगे ताकि अच्छे से ये पक भी जाए और खस्ता भी हो जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और थोड़ा सा ये चिटका चिटका सा लग रहा है, तो इसको अब हम पलट देंगे। और दूसरे साइड से भी इसका कलर चेंज हो जाने देंगे। ये देखिए इसका कलर दोनों साइड से चेंज हो गया है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। बाकी का ठेकुआ भी हम इसी तरह से डाल देंगे ऑयल में। और इसका भी कलर चेंज होने के बाद इसको भी निकाल लेंगे हम। ये देखिए ठेकुआ बनके तैयार है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है ये। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसके ऊपर देखिए चीनी पूरा अच्छी तरीके से दिख रहा है, ये देखिए, तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खस्ता है, बहुत आसानी से टूट जा रहा है, इसको कोई भी खा सकता है। तो अगर आपको मेरी ये ठेकुआ बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।